क्वाड कह रहा था, सिंध हाउस एक्सपोज हो गया, सिंध के लोगों के पैसों को 20-20 करोड़ रुपए को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज सारी दुनिया और कौम देख रही है कि एक तरफ चोर उचक्के लूट मार करने वाले अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए कभी वो कौमी हुकूमत की बात करते हैं, कभी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, और 27 तारीख को आवाम का एक समंदर होगा जो डी चौक आएगा। और मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफत कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने ज़मीर से वोट देने आना चाहता है वो बेशक देने आए, सिंध में कोई हम कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे, कोई नहीं भेज रहे, क्योंकि ये पैसों की लालच में गए हैं। ये जाने और इनके इलाके जाने और इनके लोग जाने। लेकिन आज मैं प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज़ दे के घर जा रहा हूँ कि सिंध में गवर्नर राज नाफज कर दिया जाए। मैं वजीर आजम से अपनी बात करके आ गया हूँ, बाकी वो कर्द मोराल कायम है। इमरान खान डटा, जान की अपनी हिफाजत के लिए हम यहाँ पर हैं। हम उनको कोई डर नहीं है, ये कहना छोड़ दें। ये पैसों की अट्रैक्शन में है, और ये बिकने और बकने वाले लोग हैं। बहुत अच्छा हुआ ये एक्सपोज हो गए। मैं तमाम चैनलों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनके चेहरों को भेजा। लगा सकता है इमरान खान गवर्नर, ना लगाए तो अलग बात है। मैं क्या गया, कौमी असम्बली का एतमाद का वोट जो है वो तकरीबन 31 या पहली तारीख बनती, 21 को इजलास बुलाया जा सकता है, 22 को, हमने 21 को छुट्टी दी है, 22 को दी है, 23 को दी है, 24 को दी है, ओ इसी है। 23 तारीख को अजीम तरीन फौज की रैली है, 25 के बाद शेख रशीद होगा और मीडिया होगा और इमरान खान की सपोर्ट होगी, 27 को समंदर होगा वहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा हो गया, जो 8 से 12 लोगों की बात हो रही थी, कोई 9 कह रहा था, कोई 8 कह रहा था, सिंध हाउस एक्सपोज हो गया। सिंध के लोगों के पैसों को 20-20 करोड़ रुपए को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज सारी दुनिया और कौम देख रही है कि एक तरफ चोर उचक्के लूट मार करने वाले अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए कभी वो कौमी हुकूमत की बात करते हैं, कभी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, और 27 तारीख को आवाम का एक समंदर होगा जो डी चौक आएगा। और मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफत कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने ज़मीर से वोट देने आना चाहता है वो बेशक देने आए। सिंध में कोई हम कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे, कोई नहीं भेज रहे, क्योंकि ये पैसों की लालच में गए हैं। ये जाने और इनके इलाके जाने और इनके लोग जाने। लेकिन आज मैं प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज़ दे के घर जा रहा हूँ कि सिंध में गवर्नर राज नाफज कर दिया जाए। मैं वजीर आजम से अपनी बात करके आ गया हूँ, बाकी वो कर्द मोराल कायम है। इमरान खान डटा, जान की अपनी हिफाजत के लिए हम यहाँ पर हैं। हम उनको कोई डर नहीं है, ये कहना छोड़ दें। ये पैसों की अट्रैक्शन में है, और ये बिकने और बकने वाले लोग हैं। बहुत अच्छा हुआ ये एक्सपोज हो गए। मैं तमाम चैनलों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनके चेहरों को भेजा। लगा सकता है इमरान खान गवर्नर, ना लगाए तो अलग बात है। मैं क्या गया, कौमी असम्बली का एतमाद का वोट जो है वो तकरीबन 31 या पहली तारीख बनती, 21 को इजलास बुलाया जा सकता है, 22 को, हमने 21 को छुट्टी दी है, 22 को दी है, 23 को दी है, 24 को दी है, ओ इसी है। 23 तारीख को अजीम तरीन फौज की रैली है, 25 के बाद शेख रशीद होगा और मीडिया होगा और इमरान खान की सपोर्ट होगी, 27 को समंदर होगा वहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा हो गया, जो 8 से 12 लोगों की बात हो रही थी, कोई 9 कह रहा था, कोई 8 कह रहा था, सिंध हाउस एक्सपोज हो गया। सिंध के लोगों के पैसों को 20-20 करोड़ रुपए को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज सारी दुनिया और कौम देख रही है कि एक तरफ चोर उचक्के लूट मार करने वाले अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए कभी वो कौमी हुकूमत की बात करते हैं, कभी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, और 27 तारीख को आवाम का एक समंदर होगा जो डी चौक आएगा। और मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है,
हमें सिंध में गवर्नर राज नाफत कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने ज़मीर से वोट देने आना चाहता है वो बेशक देने आए। सिंध में कोई हम कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे, कोई नहीं भेज रहे, क्योंकि ये पैसों की लालच में गए हैं। ये जाने और इनके इलाके जाने और इनके लोग जाने। लेकिन आज मैं प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज़ दे के घर जा रहा हूँ कि सिंध में गवर्नर राज नाफज कर दिया जाए। मैं वजीर आजम से अपनी बात करके आ गया हूँ, बाकी वो कर मोराल कायम है। इमरान खान डटा, जान की अपनी हिफाजत के लिए हम यहाँ पर हैं। हम उनको कोई डर नहीं है ये कहना छोड़ दें। ये पैसों की अट्रैक्शन में है और ये बिकने और बकने वाले लोग हैं। बहुत अच्छा हुआ ये एक्सपोज हो गए। मैं तमाम चैनलों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनके चेहरों को भेजा। इनके पास तौर पर क्या वज़ीर आज़म गवर्नर रूल लगा सकता है? इमरान खान गवर्नर ना लगाए तो अलहदा बात है। मैं क्या क्या कौमी असम्बली का एतमाद का वोट जो है वो तकरीबन 31 या पहली तारीख बनती, 21 को इजलास बुलाया जा सकता है, 22 को हमने 21 को छुट्टी दी है, 22 को दी है, 23 को दी है, 24 को दी है, वो इसी है। 23 तारीख को अजीम तरीन फौज की रैली है। 25 के बाद शेख रशीद होगा और मीडिया होगा और इमरान खान की सपोर्ट होगी। 27 को समंदर होगा वहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा हो गया जो 8 से 12 लोगों की बात हो रही थी, कोई 9